ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी।